मसालों की जो सबसे अच्छी चीज होती है वो होता है उसका तेल, क्योंकि मसाला भी एक पॉजिटिव ग्रेड में ही आया क्योंकि उसके अंदर एरोमा और हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है। अब हमारे आपको जो मार्केट में मसाला मिलता है, जो मसाले चाहे वो पिसा खाते हैं चाहे वो खड़ा लेके आते हैं, उसमें से उसका तेल ही निकाल लिया जाता है, और जब किसी मसाले से उसका तेल निकाल लिया जाता है तो वास्तव में उसमें कुछ बचता ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो मसाले तैयार किए जाते हैं वो हाई प्रेशर मशीनों से तैयार किए जाते हैं, और उन मशीनों से, जिन मशीनों से वो तैयार करते हैं, उन मशीनों में इतनी तेजी से प्रोडक्शन होता है, इतना फास्टली प्रोडक्शन होता है कि वो मसाले सिर्फ पाउडर होते हैं, उतने हाई टेम्परेचर पर वो जल चुके होते हैं, उनके अंदर कोई बहुत विशेष गुण या तत्व नहीं होता। हमारे आपके मसाले जो आप तक पहुंचे थे उसमें मिर्चे भी डाली गई थी, जीरा भी डाला गया था, सोल्ट भी डाली गई थी, हल्दी भी डाली गई थी, मरीच भी डाली गई थी, जायत्री भी डाली गई थी, जायफल भी डाली गई थी, हरी इलायची भी डाली गई थी, काली वाली भी डाली गई थी, तेजपत्ता भी डाला गया था, दालचीनी भी डाली गई थी, तो वो सब याद रखते थे। थोड़ी सी सरसों भी डाली गई थी, थोड़ी सी पोस्ता दाना भी डाला गया था, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला गया था, और जिस गुलाब को आप छिड़क रहे थे अब से मत फेंकना, इन मसालों में हमने गुलाब भी डाला था भाई, वो हमारे घंटे की चीज है, हम लोग 20 के सभी लोगों को देखे, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा गुलाब का ओरिजिनल ऑयल बिकता है यहाँ पे। गुलाब से ऑयल निकालना एक बहुत ही बड़ी और फाइन ट्यूनिंग और एक मजबूत सी प्रक्रिया, वो ऑयल्स को निकाला जाता है, और उन ऑयल्स का कमाल होता है कि हमको आपको जो है शुद्ध गुलाब के तेल हम मार्केट में ओपनली तो अवेलेबल होते नहीं है, तो हम लोगों ने अपने जो मसाले के जो सैंपल्स आप लोगों तक आए थे, जो मसाले के सैंपल्स दिए गए थे, इन सैंपल्स को सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनके प्योरेस्ट फॉर्म में उनको शुद्ध रूप से उनको उनके ओरिजिन से उठाए गए थे, पहली चीज। दूसरी चीज, उन मसालों को पीस के नहीं तैयार किया गया था, हम लोगों ने कूट के तैयार करवाया था, क्यों? क्योंकि हमने अपने कंपनी में कुछ विशेष चीजों का जब हम निर्माण कर रहे हैं, जब हम कुछ विशेष तरीके से करके आ रहे हैं, तो हम लोगों ने लगातार इस चीज का प्रयास किया है कि हम लोगों को उनको उस प्योरेस्ट फॉर्म में दें कि अगर वो चाहे तो भी हमारा सब्स्टिट्यूट मार्केट में उनके लिए उपलब्ध ना हो। हम सारी रेसिपी बता भी देंगे तो भी वो तैयार करेगा तो स्वाद तो आएगा नहीं, स्वाद इसलिए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमने कूट के तैयार किया। अब घर में कोई कितने दिन कूट के मसाले तैयार कर सकता है, खुद सोचो। आज के जमाने में चटनी तो लोग पीस के पी नहीं रहा है, मसाले कौन बैठे कूटने वाला है, अच्छे से लेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ये जितने भी मिलेट्स की चर्चा हो रही है, जितने भी इनको श्री अन्न, आज के जमाने में मोदी जी ने इनको नारा दिया कि तुम्हें नया नाम दिया कि श्री अन्न है, श्री यंत्र आपने सुना होगा, धर्म लक्ष्मी यंत्र सुना होगा, उसी तरीके से इन अनाजों को जो आज के समय में नाम दिया गया श्री अन्न, श्री अन्न का काम है हमारे शरीर को मेंटेन करना, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, तो अब आने वाले वक्त में इनके भी हम प्रोडक्ट्स को तैयार करेंगे। साथ ही साथ हम जो भी प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसमें कुछ हमें अनोखी सी चीज अपनाएंगे, अनोखी प्रक्रिया अपनाएंगे। हम लोगों ने सबसे जो अनोखी प्रक्रिया ये तय किया है कि जितने भी चीजें होती हैं धरती पर, जो भी अनाज पैदा होता है, हर अनाज के पैदा होने के बाद हर अनाज का अपना एक एरिया होता है। ऐसा नहीं है सेब का पेड़ यहाँ लगा दिया जाए तो नहीं फलेगा, फलेगा हाँ, वैसा सेब नहीं होगा जैसा जम्मू कश्मीर के सेब में होता है, हाँ। वैसा नहीं होगा जैसा मनाली के सेब होता है, बट कुछ ना कुछ तो होगा, ये पक्का है। हाँ, उनके पेड़ पे 100 पौधा होगा, हमारे पेड़ पे 2 फलेंगे, बट फलेंगे ये तो है।
तो हम लोग जो सबसे ज्यादा अपने आप को अलग इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी अनाज लेके आएंगे, हम जो भी अनाज से प्रोडक्ट तैयार करेंगे, चाहे वो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयार हो, चाहे वो हमारे खाने के प्रोडक्ट तैयार हो, हम लोग इस बात के लेके भी आपको ट्रेनिंग देंगे कि ये अनाज किस वैरायटी का हमने उठाया है, ये जो मसाले भी हम डालेंगे तो आपको हम बताएंगे कि भैया जो ये करिए ना, ये मारवाड़ वैरायटी की डाली गई है और मारवाड़ वैरायटी जो है पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी पैदा होती है वो वायनाड जिले में पैदा होती है। तो हम सब जब भी कालीन बीज खरीदेंगे किस जिले से खरीद कर आएंगे, वायनाड जिले से, जो केरल में है जहाँ से राहुल गांधी सांसद है, तो दुनिया की सबसे अच्छी कालीन बीज जो होती है वो वहां पैदा होती है। जो सबसे अच्छी हरी इलायची पैदा होती है वो केरला में पैदा होती है। तो हम इलायची जब लेके आएंगे केरल के उसी जिले से कलेक्शन करेंगे जहां की वैरायटी सबसे अच्छी निकल कर आती है। यही वो कारण है कि जो मसाले आप लोगों तक पहुंचे थे उसमें मिर्चे और बत्ती इतना तेज होने के बाद भी मुझे नहीं लगता है किसी को जलन हुआ, बहुत जलन हुआ, किसी को आया था इसी को शिकायत। वजह यह थी कि वो उनके प्योरेस्ट एरिया से प्योरेस्ट फॉर्म से उठा के उन चीजों को किया गया। ये दो तीन चीजें हो गई कि हम क्या क्या प्रोडक्ट लेके अभी आने वाले अगले समय में आएंगे। अब इन प्रोडक्ट्स के साथ इन प्रोडक्ट को लेकर हम क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, इसकी चर्चा हम अगर आप लोग तय करेंगे बातों में करेंगे। इससे कैसे कैसे आपको फायदे होने वाले हैं, इससे इस पूरे सिस्टम का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं, इस पूरे सिस्टम का जब हम आप हिस्सा बनेंगे उससे हमें कितने फायदे मिल सकते हैं, इन सारी चीजों की भी चर्चा होगी। बाकी जिसके लिए सारे लोग इन्वाइट किए गए अभी भी चीज अभी भी ये वो चीज है जिसके मालिक आप बनने वाले हैं। कैसे बताओगे अब तक जो चीजें मिली थी उसमें मौके कुछ हद तक सीमित थे, अभी जो हम मौके देने वाले हैं, अभी जो मौका पैदा करने वाले हैं उसमें हम बहुत तरह के मौके पैदा करने वाले हैं। सोचो कितनी मेहनत मैंने करी, कितनी जानकारियां लेके आने में, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाना, जो बहुत सारे लोग आए, मधुकर सर आए, हमारे अजीत भैया आए, कई लोगों ने बताया कि लंबा लंबा ट्रेवल कर रहा, ट्रेवल नहीं कर रहे थे मैं, कोई धार्मिक दर्शन नहीं कर रहा था, पूरे हिंदुस्तान को घूम घूम के मैं समझ रहा था कि कौन सी चीज हमें कहां से लेके आनी है। अब जब इतनी मेहनत के बाद जब हम मार्केट में जाएंगे तो क्या आपको लग रहा है कोई टक्कर दे पाएगा? अभी तक तो सवाल आ सकता था कि भैया लोनी उनके पास भी है, लोनी हमारे पास भी है, हो सकता है कि रेट या अब इस समय में लड़के तो अपने वाले को अच्छा पता नहीं है, हम यही तो कर रहे थे अभी तक। हाँ आंवला हमारे जैसा किसी का नहीं है, मान लो उस पर बारी पड़ जाते थे, नेक्टर और किसी के पास वैसा नहीं है वहां पर बारी पड़ रहे थे, बट कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लगभग मार्केट में और हम लोगों की भी क्वालिटी लगभग सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट्स के रेट के अंदर थे और बहुत ज्यादा अंतर नहीं थे, बट लोगों के पास चॉइसेस थी। बहुत सारे लोग मसाला बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग चाहे वो कंपनियां हो, चाहे वो एवरेस्ट हो, चाहे वो गोल्डी हो, मसाले सब बेचते हैं। तो आपको मजे की बात मैं बता दूं, दुनिया का इकलौता ऐसा व्यवसाय है मसाला जिसमें कभी नुकसान होने की कोई चांस होते ही नहीं है। वजह क्या है, ना तो मसालों की कोई एक्सपायरी होती है, खड़े मसालों की कोई एक्सपायरी होती ही नहीं है, क्योंकि हर मसाला अपने प्राकृतिक कवर के अंदर होता है। चाहे वो गोल मिर्च की बात करो तो गोल मिर्च का जो ऊपर का कवर होता है उसमें कुछ नहीं होता, उसके अंदर दो छोटे छोटे दाने होते हैं, इतने छोटे छोटे से कभी तोड़ना, अगर हमारे आप तक जो पहुंचता है ना उसमें से तो तेल निकाल लिया ना तो सूख के पता ही नहीं चलेगा, बट बाकी जो गोल मिर्च की जो कवर होता है उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता, इतना छोटा छोटा दूध होता है एकदम बाल भरा हुआ, सारा गोल मिर्च ताकत वहीं पे। हरी मिर्च, काली मिर्च, जायफल, जावित्री, मैक्सिमम चीजें देखोगे तो सब की सब जो है
एक कवर के अंदर होते हैं। यही वो कारण है कि दुनिया का ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी भी घाटा होता ही नहीं है। अब हाँ, मैं जैसे एक बात ये आती है, बुरी से बुरी स्थिति क्या आ सकती है कि भाई हमने मसाला का धंधा शुरू किया, हो सकता है कि हमारा मसाला हमको बेचना ना पड़े, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वो बचा हुआ खराब मसाला इंडिया में खड़ा होगा तो बिक ही जाएगा ना। और हमारा इसलिए बिक जाएगा कि हम वहां से लेके आए हैं जहां से वो पैदा हुई है, हम किसान से लेके आए हैं तो उसमें से तेल निकला भी नहीं है। यही वो कारण है कि मसाला एक ऐसा व्यवसाय है कि जितने आपने अनाज के जितने मैंने नाम बताए ना, इन अनाजों की भी कोई एक्सपायरी जैसी कोई चीज होती नहीं है। जितना ज्यादा पुराना होगा उतना उसकी ताकत और बढ़ती चली जाती है। यही वो कारण है कि अनाजों से लोगों को पहले बीमारियां होती ही नहीं। इसी तरीके से हम खाना बनाने के लिए, शरीर में लगाने के लिए भी जो भी हमारे ऑयल्स हैं, चाहे वो हमारा मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो हमारा नारियल का तेल हो, चाहे वो हमारा मूंगफली का तेल हो, चाहे वो हमारा सोयाबीन का तेल हो, लगभग लगभग हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 6 महीने के अंदर हम एक कंप्लीट पैकेज पे हम सारी की सारी चीज़ों को लेके आ जाएंगे। तो उसमें लिख के ले आएंगे भाई देखो ये इस वैरायटी की सरसों से निकाला गया और इस और ये वैरायटी हिंदुस्तान के किस जिले में सबसे अच्छी होती है, तो हम वहीं से खरीद लेंगे। अब वायनाड से कोई काली मिर्च खरीदने केरल थोड़ी नहीं जाएगा, कौन जाएगा? सिक्किम से हरी मिर्च लाने, अरे वो हरी इलायची लाने कौन जाएगा? हमने अपने अदरक जीवन में बहुत खाई है, अदरक आपने खाई, उसमें अदरक का रेशा ज्यादा होता है जितना अदरक हम लोग एरिया में होता है। अरुणाचल प्रदेश का अदरक इतना मोटा मोटा होता है, उसके रेशे नाम चीज होता ही नहीं, इतना वो फाइन क्वालिटी होती है। और जो जब उस अदरक का पाउडर भी बना के अगर सुनोगे ना तो समझ में आएगा कि नहीं यार, एक बार जब हमने अरुणाचल वाली अदरक का यूज करोगे तो शायद जीवन में कभी दूसरा कोई अदरक को हम यूज करेंगे। तो हम अदरक के लिए आएंगे या अदरक में डालेंगे तो कहां से डालेंगे? अरुणाचल से असम वाली अदरक यूज करेंगे जब भी यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारे, आपको क्या लग रहा है जब ये चीजों को लेके हम मार्केट में आएंगे, जब ये सारी चीजों की आपका प्रक्रिया आपका प्रोसेस हम जब स्टार्ट करेंगे तो कितना बड़ा स्कोप निकल के आएगा आपको, तो सोचो। इसीलिए जब मुझे लगा कि रिस्क दो तरीके का होता है, एक वो रिस्क है जिसमें घाटा भी हो सकता है, नफा भी हो सकता है, बहुत मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन मैं आप सारे लोगों को जिस पहले बिजनेस में जो सबको सहभागी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो कौन सा बिजनेस है? मसाले का, जिसमें घाटा होने का तो दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है, इसलिए कि मसाले में कुछ भी खराब होता ही नहीं है। गलती से मोटा पीसना था, महीन पीस गया तो भी कोई टेंशन नहीं, गलती से मिर्ची ज्यादा पड़ गई तो भी टेंशन नहीं, मसाला थोड़ा और बढ़ा लेंगे, महीन पीस गई कोई टेंशन नहीं, थोड़ा और मोटा पीस उस महीन में मिला देंगे, मामला एडजस्ट हो जाएगा। तो मसाला एक ऐसी चीज है जिसकी किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से घाटा तो होता ही नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया में मसाले से ज्यादा मार्जिन किसी भी फील्ड में है ही नहीं। यही वो कारण है टाटा जैसा ब्रांड भी मसाले में उतर आया है, रिलायंस वाले उतर के आए, उनको क्या जरूरत थी इन धंधों को उतरने की, वो तो ऑलरेडी बड़े बड़े फील्ड में थे ना। मुकेश अंबानी भी खाद्य पदार्थ बेचना शुरू कर दिए, अडानी साहब बेचना शुरू कर दिए, इसका मतलब इससे ज्यादा मार्जिन का धंधा कोई है नहीं। उनको भी पता है कि सबसे ज्यादा मार्जिन, सबसे ज्यादा प्रॉफिट दुनिया के किसी धंधे में आता है तो वो इन्हीं धंधों में आता है। तो कंपनी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है, ये डिसीजन लिया है
कि हम लोग भी इस बिजनेस में आएंगे, लेकिन जब इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो अकेले नहीं करेंगे, सभी करेंगे, सबके साथ करेंगे, क्योंकि लोगों वही बनाया गया है मीटिंग का, कि साथ ही हाथ बढ़ाएंगे, सब हम सब एक मुट्ठी का हिस्सा बनेंगे। उंगली कोई भी तोड़ लेगा, मुट्ठी तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल। अभी हमने सिर्फ इतनी चर्चा की, फाइनेंशियल प्लानिंग की चर्चा की थोड़ी देर पहले, कैसे कैसे रणनीति बनाती है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, कैसे हमारा मैनेजमेंट का प्लानिंग होती है। सेकेंड चीज मैंने आपको बताई, इन प्रोडक्ट्स पे हम काम करने वाले हैं। सिर्फ हमने प्रोडक्ट के नाम नहीं बताए, मैंने कोशिश किया कुछ ऐसी जानकारी आपके बीच लेके आई जाए जो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पहले से पता भी रही हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन्हीं अनाजों के बारे में इतनी ज्यादा शायद न जानते रहे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे तो इन अनाजों को ही पहली बार सुने होंगे, बहुत सारे लोगों को शायद पहली बार पता चला होगा कि अनाज भी कई तरह के होते हैं, दवा भी होती है अनाज, फूड सप्लीमेंट भी होता है अनाज, कितनी अच्छी बात है। कुछ दारू का भी काम करता है अनाज, दारू ही की किडनी कराती है, कुछ अनाज भी उसके लिए जिम्मेदार है, वो तो बदनाम से हो जाती है। तो अभी का ये सेशन सिर्फ इतना ही था, आगे जो हमारा बिजनेस की स्ट्रेटजी है, बिजनेस का जो एक्सपेंशन है, जो बिजनेस की जो हम प्लानिंग है, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे या तो